नए आईपीओ के बारे में जानिए एंजल वन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एथर इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की और वैल्यूएशन की। तो हमारे साथ एंड तक जरूर जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। चलिए आईपीओ डिटेल से शुरू करते हैं। तो इस आईपीओ का टोटल साइज 808 करोड़ है एट द अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड, जिसमें फ्रेश इशू 627 करोड़ का रहेगा और 181 करोड़ का ऑफर फॉर सेल पोर्शन रहेगा। ये इशू 24 मई 2022 को खुलने वाली है एंड इट क्लोजेस ऑन 26 मई 2022। इसका प्राइस बैंड 610 टू 642 रुपीज पर शेयर का रहेगा और बिड लॉट 23 शेयर्स का होगा। शेयर्स के लिस्टिंग पर कंपनी का मार्केट कैप अप प्राइस बैंड के अनुसार 7992 क्रॉस रहेगा और शेयर्स का लिस्टिंग लगभग 3 जून 2022 को होगा। बात करते हैं इस आईपीओ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स की। कंपनी का ये इशू रेस करने के दो रीजंस है। फर्स्टली, फ्रेश इशू के प्रोसीड से कंपनी अपने कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करेगी और अपने आउटस्टैंडिंग लोन्स का पार्ट और फुल रीपेमेंट भी करेगी। चलिए अब जानते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। एथर इंडस्ट्रीज का इनकॉर्पोरेशन 2013 को हुआ था और कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। एथर इंडस्ट्रीज के तीन बिजनेस डिविजन्स है, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड इंटरमीडियरीज मैन्युफैक्चरिंग डिविजन, क्रैम्स डिविजन एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। एथर के पास काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बास्केट है एंड एज ऑफ 31 मार्च 2022 एथर कुल 25 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है जो कि इंडिया में कुल 154 कस्टमर्स को बेची जाती है। इसके अलावा एथर अपने प्रोडक्ट्स 18 देशों में 34 ग्लोबल कंपनीज को भी बेचती है। एथर इंडस्ट्रीज के पास दो मैन्युफैक्चरिंग डिविजन्स है इन सूरत, गुजरात, जिसमें से एक 3500 स्क्वायर मीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसमें उनका R&D फैसिलिटी भी सिचुएटेड है। एथर का दूसरा फैसिलिटी भी सूरत में लोकेटेड है जो कि 10,500 स्क्वायर मीटर्स के ऊपर बनी है। एथर इंडस्ट्रीज इंडिया में काफी सारे केमिकल्स का एकमात्र मैन्युफैक्चर है, जैसे कि 4-MEP, MMBC, T2E, OTBN, डेल्टा वेलरोलैक्टोन और बाइफेथ्रिन अल्कोहल। मोरओवर, एथर इंडस्ट्रीज 4-MEP, T2E, नॉज एंड हीप जैसे प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है ग्लोबली भी। आगे अगर फाइनेंशियल व्यू पॉइंट से देखते हैं तो कंपनी का टॉप लाइन 49.5% CAGR से ग्रो किया है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 19-21 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 53.7% CAGR से ग्रो किया है, जबकि उनका प्रॉफिट 74.6% CAGR से ग्रो हुआ है ड्यूरिंग द सेम पीरियड। फॉर द 9 month एंडिंग फाइनेंशियल ईयर December 2021, दैट इज, कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिए हैं। एथर का टॉप लाइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और नेट प्रॉफिट्स 32.5%, 64.6%, 71.8% ईयर ऑन ईयर से ग्रो किया है। तो पहला 9 months का परफॉर्मेंस देख के हम ये कह सकते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिपोर्ट करेगी एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 21। अगर हम कुछ लिस्टेड पीयर्स की बात करें तो उनमें आती है PI इंडस्ट्रीज, क्लीन साइंस, नवीन फ्लोरिन और विनती ऑर्गेनिक्स। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे स्टॉक फाइनेंशियल ईयर 21 के अर्निंग्स के बेसिस में 101.7 KPE रेशियो पे ट्रेड करेगा। कंपनी से जुड़े कुछ अगर रिस्क की भी बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफी कॉन्सेंट्रेटेड है और उनके टॉप 20 कस्टमर्स अकाउंट फॉर 70% ऑफ देयर रेवेन्यूज। नाउ, लॉस ऑफ एनी मेजर कस्टमर एथर के लिए काफी बड़ा रिस्क है। मोरओवर, एथर के दोनों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एक ही जगह पे लोकेटेड है एंड एनी डिसरप्शंस ड्यू टू लेबर और एनी अदर इश्यूज कंपनी के प्रोडक्शन पे भारी इंपैक्ट कर सकती है। कंपनी अपने रॉ मटेरियल्स के लिए ग्लोबल सप्लायर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज में प्रॉब्लम होने के कारण ये भी पॉसिबल है कि कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट करने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो उनके प्रोडक्शन को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। सो दोस्तों, ओवरऑल मैंने कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन और तो और पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब नीचे कमेंट्स में आप हमें बताएं व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस आईपीओ। क्या हमें सब्सक्राइब करना चाहिए या अवॉइड? क्या हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा इस आईपीओ से? For Angel Research View, we will publish our report on Angel One website soon. Thank you for watching this video. और ऐसे ही नए IPOs के बारे में जानने के लिए don't forget to like and share this video and subscribe to our YouTube channel. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.